नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव नजर आ रही हैं और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी हो या सपा या फिर कांग्रेस, हर कोई अपनी जनसभाएं कर जनता के बीच जा रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उनका 2 दिवसीय दौरा है। अब पीएम मोदी काशी आए हैं और काशी वासियों के लिए कोई तोहफा न लाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी पांडे। दरअसल पीएम मोदी वायुसेना के विशेष विमान से रविवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए रास्ते में ही भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। काशी पहुंचने पर देश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी काशी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बनारस में 20 सालों से बन रहे सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस मंदिर को भारत का सबसे बड़ा साधना केंद्र भी माना जाएगा। यहाँ पर एक साथ 20,000 से अधिक लोग साधना कर सकते हैं। वहीं काशी दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी शाम को नमोघाट से काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का भी शुरुआत करेंगे। यहाँ से कन्याकुमारी से बनारस के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। 17 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण के दौरान तमिलनाडु और पौंडीचेरी के 14,000 विशिष्ट लोग काशी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। जबकि पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन सोमवार को सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।